friends, welcome back to online class 6, Sanskrit class 6, part 2, Sanskrit Sabd Paricheha 1, video 4. Sanskrit भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम तथा नपुंसकलिंगम. जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं. जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए, ज्ञान कराए, वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं. और जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं. और जो शब्द पुरुष जाति तथा स्त्री जाति दोनों का ही ज्ञान कराए वे क्या कहलाते हैं, सॉरी ज्ञान ना कराए, ना तो पुरुष जाति का ना ही स्त्री जाति का ज्ञान ना कराए वे क्या कहलाते हैं, नपुंसकलिंगम शब्द कहलाते हैं. शब्द के अंतिम वर्ण से उस शब्द को जाना जाता है, जैसे कि बालक, बालक ब प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस का प्लस आ. तो ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द. ऐसे ही लता, तो ला प्लस आ प्लस ता प्लस आ, तो ये है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द. ऐसे ही है देवी, द प्लस ए प्लस बा प्लस ई, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द. वन, व प्लस आ प्लस ना प्लस आ, क्या है ये, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द. ऐसे ही आता है वचन, वचन, वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक, दो अथवा दो से अधिक की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं. संस्कृत में वचन तीन वचन होते हैं. संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तीन. एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए एक वचन, दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने के लिए दो ही वचन, तथा तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने के लिए होने पर क्या कहलाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है. इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज, इसमें आपके शब्दार्थ है. शब्दार्थ सबसे पहले है क्रीड़ांकणम यानी मैदान, यंत्रम यंत्र, मानचित्रम नक्शा, मुखम मुंह, भोजनम खाना, शाकम सब्जी, अंतजालम इंटरनेट, कागदम कागज, व्यंजनम व्यजनम पंखा, कृष्णफलकम श्यामपट्ट, वातायनम खिड़की, अन्नम अन्न, औषधम दवाई, आभूषणम आभूषण, उद्यानम बगीचा, उरुकम पतलून, जालपुटम वेबसाइट, जलम पानी, उपनेत्रम चश्मा, पिज्जफलकम स्विच बोर्ड. अब है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित लिंगानुसारण विभाजनम कुरुत. ये लिंग के अनुसार हमें इनको क्या करना है, विभाजित करना है कि ये पुल्लिंगम है कि ये नपुंसकलिंगम है. तो दोनों ऊपर मिक्स करके दिए, इनको हमें अलग अलग वर्गों में विभाजित करना है. तो जैसे कि ये दिया है जालपुटम, सिंहिया, पत्राणी, करवस्त्री, बालकः, मालाकारोह, वृक्षः, व्यजनम, इनमें से हमें दोनों को वर्गों को अलग अलग करना है. इसमें पुल्लिंगम वर्ग के कौन से हैं, सिंहिया, बालकः, मालाकारोह, वृक्षः. नपुंसकलिंगम कौन से हैं, व्यजनम, जालपुटम, करवस्त्रे एंड पत्राणी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखितानाम शब्दानाम अर्थम संस्कृत भाषायां लिखत. ये जो शब्द लिखे हुए हैं हिंदी में, इनको हमें क्या लिखना है, संस्कृत में लिखना है. जैसे कि एक बालक का एक इसमें एग्जांपल दिया है, एक बालक को क्या बोलते हैं, बालकः. ऐसे ही एक चंद्र को क्या बोलेंगे, चंद्रा. एक फल को फलम, दो पुत्र को पुत्रौ. ऐसे ही एक पंखा को व्यजनम, अनेक देव को देवः, दो शिक्षक को शिक्षकौ. नंबर 4 क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारेण अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम हिंदी भाषायां लिखत. ये अपन को संस्कृत में दिए हैं, इनको अपन को हिंदी में लिखना है. देखिए, फैनकम यानी एक साबुन. का नंबर है नखम, नखम मीन्स होता है एक नाखून. नंबर खा कंगतानी यानी अनेक कंगन, मूछका यानी अनेक चूहे, दर्पण यानी अनेक शीशे, कर्णों यानी दो कान, दीपक यानी एक दीपक. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, इसमें आपका है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत. हमें वचनों के अनुसार जो रिक्त स्थान दिए हैं इनकी पूर्ति करना है.
जैसे कि है, पहला है, पहले में हम क्या लिखेंगे एकवचन में, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। नंबर का है पर्वतः, पर्वतौ, पर्वतः। थ्री है कक्षः, कक्षौ, कक्षाः। नंबर फोर है देशभक्तः, देशभक्तौ, देशभक्ताः। पांच नंबर है गृहं, गृहे और गृहाणि। स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो मैंने आपको कराई है वचन की डेफिनेशन और इसके बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया है, वचन की डेफिनेशन कराई है मैंने और संस्कृत भाषा में लिंगों के प्रकार बताए हैं, कितने प्रकार के लिंग होते हैं, इनको आपको कॉपी में राइट करना है फिर नोटबुक में, और इसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं फिर नोटबुक में, उनको लर्न करना है। मेरी जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको जो भी अभी कराई है वो भी आपको फिर नोटबुक में राइट करना है और उनको लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 करवाऊँगी। ओके, गुड।